किस किस्म की आपके पास मछलियाँ हैं? सर ये इम्पोर्टेड होती है, ये थाईलैंड से आती है, इसको बोलते हैं जी रेड प्लेटी। सर इसकी अगर एज की बात की जाए तो उसकी टोटल एज कितनी होती है? तकरीबन एक साल के करीब। जो नॉर्मल प्राइस है इसकी 200 का पर पेड़ है। क्या ये नस्ल? ये शबनकिन कहलाती है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसका साइज भी हो जाता है, ये तकरीबन 12 इंच से ऊपर जा सकती है। इसको कहते हैं जी कैलिको। कैलिको? कैलिको लाइन हेड कहते हैं। क्या बात है, ये कहाँ पाई जाती है? ये थाईलैंड में जी। इसको कहते हैं ब्लू लाइन शार्क। अच्छा, ये तकरीबन कम से कम 1.5 फुट के करीब हो जाती है। येलो सिकलेट कहलाती है। इसमें ये व्हाइट रेड मून सिकलेट है। इसको कहते हैं जी सकर फिश। इसको अक्सर लोग आगे कहते हैं जी मसी फिश दे दे। ये एक साइज कहलाता है 1.5 फुट। अच्छा, ये 5 mm के ग्लास में है। अभी इसकी प्राइस चल रही है 7,500 रुपया। कोई ऑर्डर पे मछलियाँ मंगवाना चाहिए आपसे तो वो कहाँ कहाँ उनको हमें असर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचा सकते हैं? लाहौर पंजाब में तकरीबन आपको जो है ना डिलीवरी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा लोग शौकीन होते हैं मछलियों के, मछलियाँ पालने में और डेकोरेशन के लिए घरों में फ़िश एक्वेरियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, आज हम लाहौर की एक ऐसी सस्ती दुकान में मौजूद है जहाँ फ़िश एक्वेरियम फैंसी से फैंसी भी मिलेगा, हल्के से हल्का भी मिलेगा और हर नस्ल की यहाँ पर मछली मिलती है, आप घरों में पाल सकते हैं। मेरे साथ आइए, अंदर चलते हैं, ओनर से जानते हैं कि आखिर क्या क्वालिटी है और किस नस्ल की इनके पास मछलियाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, इस दुकान के ओनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? खालिद महमूद जी। किस किस्म की आपके पास मछलियाँ हैं? सर ये इम्पोर्टेड होती है, ये थाईलैंड से आती है और ये बड़ी कलरफुल, बड़ी फ्रेंडली, बड़ी खूबसूरत फिश होती है। सही हो गया। और इनमें काफी वैरायटी है, काफी नस्ल भी है, काफी अच्छे कलर भी है। आप इनको दिखाते हैं हम आपको। सर अगर इसकी बात की जाए, किस किस्म की मछली है, क्या नस्ल है? इसको बोलते हैं जी रेड प्लेटी। रेड प्लेटी? प्लेटी ये बेबी देती है, बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत फिश है। और इसकी इसकी फैमिली जो है बड़ी प्यारी फ्रेंडली फैमिली है और ये बड़ी मुनासिब कीमत में मिल जाती है। सर इसकी अगर एज की बात की जाए तो उसकी टोटल एज कितनी होती है? तकरीबन एक साल के करीब। और एक साल में 3 से 4 दफा ब्रीड कर रहती है। रेट की बात की जाए तो रेट मुनासिब भी है इसका, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ साइज आते हैं, साइज पे इसकी कीमत है। अभी जो नॉर्मल प्राइस है इसकी 200 का पर पेयर है। पर पेयर? पेयर जी, दो पीस। सही हो गया। अगर ये वाली फिश की बात की जाए, टिन फॉर बार्ब कहलाती है। ये टिन फॉर बार्ब इसको कहते हैं जी। ये बड़ा अच्छा साइज कर रहती है, तकरीबन 8 से 10 8 के इंच के करीब इसका साइज हो जाता है। इसकी अगर एज की बात, इसकी एज काफी अच्छी है, इसके 5 साल से भी ऊपर एज है। 5 साल से भी ऊपर है। इसके रेट की बात की जाए, ये रेट इसका मुनासिब है, 500 का पेयर है। बड़ी प्यारी से मुनफरिद से मछली नजर आ रही है। डेकोरेशन में भी आप इसको यूज करते हैं लोग? जी बिल्कुल, खूबसूरती के लिए। सर खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है क्या ये नस्ल? ये शबनकिन कहलाती है। इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, इसका साइज भी हो जाता है, ये तकरीबन 12 इंच से ऊपर जा सकती है। 12 इंच से ऊपर? जी 12 इंच से ऊपर। इसकी टोटल एज की बात कीजिए, मैक्सिमम इसकी एज काफी अच्छी है। हमारे पास कुछ दिन पहले एक कस्टमर आया था तो उन्होंने कहा जी मेरे पास पिछले 8 साल से माशाल्लाह चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसका मतलब है कि इसकी लाइफ 8 साल से भी ज्यादा है। 8 साल से भी ज्यादा है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, अब जो मछलियाँ आपने रखी है, इसकी ऑब्वियसली खुराक भी है जी, खुराक मुख्तलिफ किस्म की नस्लों की मुख्तलिफ खुराक होती है या एक ही खुराक हर नस्ल? नहीं कुछ जी, ये देखिए अब मैं आपको ये देखें, ये सारी फिश की फूड लगी हुई है, इसमें ये मेडिसिन पड़ी है। ये वाली? हाँ ये पंप है जी, ये मेडिसिन है इनकी, ये फिश फूड है। अब जब आपकी फिश 1 फुट से या 10 इंच से ऊपर हो जाती है, फिर उसके लिए ये फीड हम डालते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रोटीन अच्छी है, फिर विटामिन अच्छे हैं। अब ये नॉर्मल फूड है, ये वाले? हाँ जी, ये उससे अच्छी ये आती है, ये स्पिरुलिना ऑप्टिमम, ऑप्टिमम जिसको कहते हैं स्पिरुलिना। इसमें कलर ही नहीं है, बेहतरीन, ये विटामिन ए सी है साथ, ये फिश बड़ी शौक से इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक वाइट शेड में हमें नीचे फिशेस नजर आ रही हैं, ये क्या नस्ल है? ये इसको वाले? इसको कहते हैं ब्लू लाइन शार्क। अच्छा, ये तकरीबन कम से कम 1.5 फुट के करीब हो जाती है और बड़ा अच्छा इसका साइज हो जाता है। इसकी रेट की बात? रेट इसी, ये भी तो ये 400 का पेयर है और जैसे ये बड़ी होती जाएगी इसकी कीमत थोड़ी बढ़ती। अगर इसकी एज की बात की जाए तो एज इसकी बहुत अच्छी है, एज इसकी तकरीबन 7-8 साल है। ये देखे अब इसमें एक फिश ये आती है, इसको बोलते हैं चिकलट। इसमें जी इसमें बड़े प्यारे कलर आते हैं और ये उस फैमिली के साथ नहीं रहती, क्योंकि इसकी फैमिली अलग होती है, अनबन है, ये खानदानी दुश्मनी, ये लड़ाई करती है उसके खानदानी दुश्मनी, ये मारती है उसको, उसके फिन वगैरह फिर नोच देती है। उसकी फैमिली नस्ल की बात की जाए, क्या नाम है इसको बोलते हैं जी सिकलट। सिकलट जी, इसमें बहुत सारे नेम है, ये बड़े मुनासिब है। अब इसमें ये देखे भाई जान, ये दिखाया जरा भाई को, इसको बोलते हैं ऑस्कर। ऑस्कर जी, इसके छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है। इसकी अगर एज की बात की जाए तो ये एज वाइज जो जितने भी फिश है तकरीबन टैंक साइज में आप 5 साल उसकी एज कर लें। इसको कहते हैं जी कैलिको।
कैलिको, कैलिको लाइन हेड कहते हैं। क्या बात है, ये कहाँ पाई जाती है मछली? ये थाईलैंड में जी, थाईलैंड फिश तकरीबन ज्यादातर थाईलैंड और सिंगापुर है। सिंगापुर और थाईलैंड में पाई जाती है। इसके रेट की अगर बात की जाए, रेट की बात की जाए तो ये थोड़ी कॉस्टली भी है। ये 2200 रुपए का पेयर है। क्या खासियत है जो इतना इसका? आप देखेंगे ये फोटेल है, इसका फेस देखिए लाइन की तरह बना हुआ है, ये दिखा है, और ये थोड़ी इसकी वजह से जरा कॉस्टली होती है। ये चिकलेट फैमिली है, ये स्कैट है, इसको दो कह रहे हैं रेड स्कैट कहते हैं हम। ये जूल चिकलेट है, ये रेड जूल है, ये एक ही खानदान है जो ये जी एक ही फैमिली है। ये बेहतरीन हो गया सर। इसके रेट की बात की जाए तो क्या रेट है इसका? हाँ रेट इनके मुनासिब ही है। ये देखिए इसको बोलते हैं एंजल फिश। एंजल फिश, एंजल क्या मुनफरिद सी है। मैं क्योंकि इसका जो स्टाइल है वो जरा ऐसा बना हुआ ट्राइंगल में कह लें, इसको कहते हैं जी ग्लो टेट्रा। ग्लो टेट्रा, ग्लो टेट्रा। इसका कलर देखें ग्रीन है, ऑरेंज है, ये ब्लू लाइट में ग्लो करती है। अभी देखिए इसके पैर कलर कितनी वो अच्छी शाइन कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, इसका साइज कितना हो जाता है? ये जो कैमरामैन भाई ना, ये फिश को बहुत खूबसूरती से दिखा रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल सर, ये देखिए सर, ये अब इसको बोलते हैं जी, ये भी वही है ग्लो टेट्रा, लेकिन ये रेड कलर में, ऑरेंज कलर में। अच्छा, किसमें इसके कलर्स हो जाते हैं? इसमें 5 कलर आते हैं, पर्पल आता है, रेड, ग्रीन और ऑरेंज। ये येलो सिकलेट कहलाती है, इसमें ये वाइट रेड मून सिकलेट है, इसमें ब्लू कलर आता है। ये देखें, अब हम आपको ब्लू, ये डेमोजेनी है, ये ब्लू सिकलेट में डेमोजेनी। हाँ जी, ये भी सिकलेट की फैमिली यार है। कैसे बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत कलर है जी इनके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिखाए मेरे भाई इनको, ये देखें जी, ये पैरेट सिकलेट है, और ये भी बड़ी खूबसूरत और फ्रेंडली फिश होती है। इसमें येलो कलर आता है, ब्लू आता है, व्हाइट आता है और ग्रीन आता है। इसका करंट रेट क्या? इसका रेट थोड़ा अप होता है, क्योंकि ये थोड़ी जरा, ये वाला जो पेयर है ना, इस टाइम आप देख रहे हैं ये 2200 रुपए का पेयर है। इसमें जो बड़ा पेयर है, मेल फीमेल के साथ जी, इनमें बस जो आता है ये बस कपल, इनमें बड़ा काम भी पता चलता है। इसको बोलते हैं सकर फिश। सकर जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जो बैठी हुई है, इसको कहते हैं जी सकर फिश। ये बैठी क्यों है? ये एलिजेटर भी कहलाती है। इसको अक्सर लोग आके कहते हैं जी मसी फिश दे दे, स्लीपर फिश दे दे, इसके काफी नाम है। क्या बात है, लोगों ने निकनेम भी रखे हैं लोगों ने। ये ग्लास क्लीन करती है जी, बेहतरीन। अब हम आ जाते हैं जी एक्वेरियम की तरफ। एक्वेरियम की तरफ अब हम आपको दिखाते हैं जी, ये मुख्तलिफ टैंक के साइज है। ये देखें, ये एक साइज है, आप नॉर्मल रूम आप कहीं भी रख सकते हैं। ये एक साइज के लगता है 1.5 फुट। अच्छा, ये 5 mm के ग्लास में है। ये पूरा जैसे आप देख रहे हैं ना टेबल और छत, ये पूरा सेटअप अभी तक जो अभी कह लें आज के टाइम के मुताबिक मार्केट, क्योंकि आपको पता है ग्लास की प्राइस थोड़ी बढ़ रही है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है प्राइस में, चीजें बढ़ जाती है तो फिर प्राइस थोड़ी अप हो जाती है। अभी इसकी प्राइस चल रही है 7500 रुपया। ये कंप्लीट सेट होता है, इसमें पंप मिलेगा, अंदर ये जो डेकोरेशन वगैरह है सारी चीजें, ये ऊपर वैसे डेकोरेशन पीस डेकोरेशन भी साथ देते हैं। हाँ जी, वो भी अलग से मिल जाएगी आपको, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, बताइएगा, जैसे कि आपने 7000 इसका एक रेट बताया, कस्टमर आते हैं बार्गेनिंग करते हैं, क्या आप उनके साथ बार्गेनिंग में क्या नतीजा निकालते हैं? वो बड़ी कोशिश करते हैं कि मुनासिब प्राइस बताएं, ताकि कस्टमर को ज्यादा बार्गेनिंग ना करनी पड़े। सही हो गया। वैसे तो अगर बात ऐसे कस्टमर होते हैं 9000 रुपए भी मांग लेते हैं, लेकिन देना हमने अपनी प्राइस पे उस हिसाब से देना है कि अब दुकानदार को देखो उसका राइट बनता है। वो इतनी मेहनत करता है, इसको रखता है, लाता है, बनाता है, इस पे उसको भी आके कुछ इसमें से कमाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आपके पास आते हैं लेने के लिए, परचेज करने के लिए, कुछ लोग ये भी हैं कहते हैं कि यार मुझे इस डिजाइन का एक्वेरियम बनवाना है, तो उस तरह से आप बनवा कर उनको प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। उसमें जो भी आप साइज देंगे, उस साइज के मुताबिक फिर आपको उसका एस्टीमेट देते हैं। डेकोरेशन होता है, डिजाइन होते हैं, शीशे का ना बड़ा इसमें होता है कि अब आपका साइज है 5 फुट, हम फिर उसको 5 फुट को उस साइज के मुताबिक बताते हैं कि जी इसमें 12 mm का लगेगा, 8 mm का लगेगा या 5 mm का लगेगा। बेहतरीन हो गया। खाली साहब, इस तरफ आइएगा नाज़रीन, यहाँ पर फिश एक्वेरियम ये एक टैंक उससे बड़ा है। ये कितना है? ये टैंक उससे बड़ा है, ये 3 फुट में है। 3 फुट में है जी। इसकी कीमत अभी जो आजकल चल रही है हम नॉर्मल मार्केट में, वो 13000 रुपए। सर इसके रेट क्या है? ये तकरीबन मेरे भाई 20000 रुपए का इस टाइम पड़ा हुआ। ये 8 mm के ग्लास में, 8 mm के ग्लास में वो सिस्टम, बबल सिस्टम बड़ा अच्छा किया हुआ। अच्छा अंदर, खाली साहब ये बताइएगा, अंदर जो डेकोरेशन पीसेज हैं ये चेंज हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आप अपनी चॉइस से चेंज भी कर सकते हैं। तो उसका रेट जैसे देखे ना, हमने ये ग्रेवल ब्राउन डाली हुई है, उसमें व्हाइट डाली हुई है, आप कहते हैं जी इसी को ब्लैक डाल दे, हम इसमें ब्लैक भी डाल दे, तो रेट का फर्क पड़ेगा? रेट का जिसमें थोड़ा फर्क आता है, क्योंकि ब्लैक जो वो इम्पोर्टेड है, वो थोड़ी कॉस्टली है। ये व्हाइट भी मिल जाएगी इसकी, वो आप जैसे कलर कहेंगे, इसमें 4 से 5 कलर भी आ रहे हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, ये भी बड़ा प्यारा सा मुझे लग रहा है, ये अभी तैयार हो रहा है जी, अभी तैयार हो रहा है। सर इसके आगे बात की जाए, ये वाला भी फिश एक्वेरियम, ये क्या स्पेक्स है इसके, क्या बनाया हुआ है? ये तकरीबन जी बस उनसे थोड़ा मुख्तलिफ चेंज किया है, कलर भी देखे उसका हमने थोड़ा चेंज करवाया। मटेरियल सेम है, सिमिलरिटी है इनमें? ये देखे,
ये बड़ा टैंक है जी, ये बड़ा टैंक है। इसका क्या ये सीक्वेंस है? तकरीबन 30,000 रुपए का, ये वुड में बना हुआ है, ये पॉलिश हुआ है ब्लैक पॉलिश में। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा, चले हमने आपसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है मछलियों के हवाले से भी और मछलियों की खुराक के बारे में भी, यहाँ आइएगा सर। जी जी। अच्छा खालिद साहब ये बताइएगा कि अगर कोई मछलियों का कारोबार करना चाहेगा तो कैसे वो कारोबार का आगाज कर सकता है, किन पैसों से ये कारोबार का? सर ये बड़े थोड़े से पैसों में भी काम हो सकता है। आप समझ लें कि आपके पास अगर 1,00,000 रुपए भी है ना, तो 1,00,000 रुपए में बड़ा अच्छा। 1,00,000 थोड़े पैसे हैं सर यार, अब आप नाराज कर रहे हैं, कह रहे थोड़े से पैसे मतलब। देखिए एक अच्छा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा कमा रहे हैं तो लाख निकले हम उससे, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आप 1,00,000 रुपए में, अच्छा बिजनेस वो तो कर सकते हैं ना, मगर आप कम से कम भी आप 20,000 रुपए में कर ले इसको, 20,000 इसका मतलब 5,000 में इसको बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। 5,000 का कहीं भी नहीं गया बिजनेस, 5,000 रुपए में तो फिर समझ ले कि आप चंद एक फिशी लेके बैठे, आगाज तो हो सकता है, आगाज हो सकता है, 5,000 से कारोबार हो सकता है, हो सकता है जी। कोई ऑर्डर पे मछलियां मंगवाना चाहिए आपसे तो वो कहाँ कहाँ आप उनको मैसर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचा सकते? लाहौर पंजाब में तकरीबन आपको जो है ना, लाहौर जैसे पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, इन फैसलाबाद आ जाए, अरफ वाले में आ जाए, मुल्तान की तरफ आ जाए, इसमें काफ़ी शहरों में अगर आप कहेंगे तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी। सही हो गया, उसमें ही होगा कि लेकिन जो कार्गो के पैसे होते हैं वो आप लोगों ने पे करने होते हैं, वो तो ऑब्वियसली हम आप ऑनलाइन आपको अकाउंट दे देंगे, आप उसमें पैसे मतलब भेजें, प्रोटेक्शन के साथ सामान पहुंचा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। अच्छा सर ये बताइएगा, आपने सब कुछ बता दिया, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है आपकी शॉप पर, आपके आपसे परचेज करना चाहते हैं तो किस तरह से वो आपसे रब्ता? जी हम आपको आपका मोबाइल नंबर दे देते हैं, शॉप का एड्रेस आपको मैं बता देता हूँ, मोबाइल नंबर में आपको जी 0333-4831-431 बेहतरीन। ये मेरा इसका मतलब है खालिद साहब ये वाहिद ऐसा कारोबार है जिसमें लाखों रुपया कमाया जा सकता है। जी जी लाखों रुपया आप नहीं कह सकते है। ये नहीं कि आप में आप नहीं आ रहा, देखिए मेहनत है आपकी, आप परेशान नहीं हो, आप मेहनत है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, लाखों रुपये में नहीं आप इतना आप नहीं कह सकते, लेकिन ये एक अच्छा रोजगार है, एक इज्जत से बैठे आप अपना कारोबार चला सकते हैं। सही हो गया आप, क्योंकि देखिए कोई भी बंदा छोटी जॉब करता है 20-25,000-30,000 रुपए में से छोटी जॉब है तो आप उससे अच्छा कमा लेते हैं, बेहतरीन तो हो गया, उसमें आगे एक अच्छा रोजगार मिल जाता है, बेहतरीन हो गया। नाज़रीन खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है जो मछलियों का कारोबार करते हैं, फिश एक्वेरियम इन्होंने अपनी दुकान पे रखे हैं, होलसेल रेट पे ये दे रहे हैं, खुद बनवाते हैं और बना कर, अगर आपने ऑर्डर पे फिश एक्वेरियम बनवाना हो, अगर आप ऑर्डर पे मछलियां मंगवाना चाहते हो कि जी मुझे इस नस्ल की मछली चाहिए तो वो भी आपको मुहैया की जाएगी और आपके घर तक हिफाजत के साथ आपको पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन इनका नंबर स्क्रीन पे नीचे आ रहा है, आप इनके साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, ऑर्डर मंगवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।